हेलो एवरीवन, आज के सेशन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज 4.4 के क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। के का वैल्यू फाइंड करना है और उसके बाद आगे की प्रक्रिया करनी है। तो आइए देखते हैं किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करना है। पहला जो इक्वेशन है आपका, वो है आपका 2x² प्लस kx प्लस 3। सिंपली इसको एक बार लिख देते हैं हम लोग, 2x² प्लस kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले तो यहाँ पे क्या करना है, k का वैल्यू फाइंड करना है और देन उसके बाद आपको k के वैल्यूज निकालना है। तो किस तरह से करोगे, सिंपली इसको इसको लिखने के बाद आपको ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 इससे कंपेयर करना होगा। यहाँ से आपके a के जो वैल्यू आएंगे, a इज इक्वल टू 2, बी का वैल्यू बी यहाँ पे के आ जाएगा और सी इज इक्वल टू 3। ठीक है, अब आपको पता है कि डी इज इक्वल टू होता है आपका b² माइनस 4ac। डी के वैल्यू निकालो, बी है आपका k² माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3 और k² हाँ 4 2 8, 8 3 24, k² माइनस 24। फोर इक्वल रूट्स यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, फोर इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स के लिए आपको पता होना चाहिए डी इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली यहाँ देख सकते हो, डी इज इक्वल टू k² माइनस 24। तो यहाँ से डी इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो इसका मतलब है k² माइनस 24 इज इक्वल टू 0 और यहाँ से आप k² इज इक्वल टू 24। ठीक है, और उसके बाद k का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा आपका प्लस माइनस √24। ठीक है, और एक स्टेप और करो, तो 24 को अगर बाहर निकालोगे सिंपली प्लस माइनस 2√6 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक हो गया। तो यही आपके k के वैल्यूज हैं। क्या क्या वैल्यूज है तो देख सकते हो कि एक तो है आपका प्लस 2√6 और दूसरा है माइनस 2√6। तो ये आपके के दो वैल्यूज आ गए। देन उसके बाद अगला क्वेश्चन में आओ, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 2। इसमें सिंपली के एक्स इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6। तो सबसे पहले तो इसको क्वाड्रेटिक के फॉर्म में ले आओ, इसको कर दो और यहाँ पे हो जाएगा आपका के एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, उसके बाद इसको भी कंपेयर करना होगा आपको, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 इससे। ठीक है, देन उसके बाद d निकालोगे, d जो होता है आपका b² माइनस 4ac। ठीक है, अब देखो यहाँ पहले a b c लिख लो, तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं a इज इक्वल टू क्या है आपका, ये यहाँ से आपका k है, b कितना है माइनस 2k और c कितना है आपका, c है आपका 6। ये पहले ही लिखना था, तो इसको इस तरह से लिखना, b माइनस 2k का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू के इंटू 6। ठीक है, सिंपली 4k² माइनस 24k इतना आ गया। ठीक है, अब आपको पता है यहाँ पे लिख लो 4 इक्वल इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स के लिए क्या होता है, d इज इक्वल टू 0 होता है, ये जो आपका निकला कितना d इक्वल टू 0। तो सिंपली 4k² माइनस 24k इज इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, देन उसके बाद 4k को कॉमन ले लो, 4k को कॉमन लोगे तो k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसके बाद लिखेंगे आइदर 4k इज इक्वल टू 0 और k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से k इज इक्वल टू 0 आ जाएगा और यहाँ से k इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आ गई। उसके बाद लिखेंगे इफ, अगर k
बराबर 0 होता है, देन द इक्वेशन विल नॉट हैव टर्म एक्स स्क्वायर एंड एक्स। अगर के अगर 0 लो लोगे तो यहाँ पे अगर पुट करते हो इस इक्वेशन में, देखो तो ये आपका इक्वेशन है ना, के एक्स स्क्वायर माइनस 2 KX प्लस 6, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो कोई वैल्यू ये हो नहीं सकता। तो इफ के इज इक्वल टू 0, द इक्वेशन लिख दो यहाँ पे, द इक्वेशन विल नॉट हैव टर्म एक्स स्क्वायर एंड एक्स, तो वो 0 हो जाएगा सिंपली, ठीक है। और उसके बाद अगर आप इफ टू इक्वल रूट्स, अगर दो इक्वल रूट्स के लिए ये करना है तो आपको क्या करना होगा, के का वैल्यू 6 रखना होगा। इफ के इज इक्वल टू 6, अगर के 6 रखते हो तो सिंपली यहाँ पे 6x² माइनस 12x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, तो ये होगा। तो के की जगह पे आपको 2 रखना होगा, तभी दो आपके दो इक्वल रूट्स आएंगे, कि इसको कंसिडर आपको नहीं करना होगा। तो ऐसे करके आप लिख देना, और ये भी लिख देना यहाँ पे, लिख दो हैव टू इक्वल रूट्स, यहाँ पे दो इक्वल रूट्स आ जाएंगे। तो बस इसमें इतना ही करना था। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, जाके ज्वाइन कर सकते हो वीडियोस के अपडेट के लिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और चैनल के सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब जरूर से करना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।